फॉर्मेशन कौन का जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें सानिहा 9 मई का बिल्कुल पहले जिक्र किया गया है। और एक बार फिर से जैसे आप कहते हैं कि पहले भी कहा गया है जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, और आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी यही बात है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस है, ये कई एतबार से बहुत अहम है। एक बात तो यह कि इसमें सिर्फ कोर कमांडर्स नहीं थे, इसमें फॉर्मेशन कमांडर्स भी थे। ना सिर्फ ये कि फॉर्मेशन कमांडर्स थे बल्कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स तक होते हैं, यानी लोअर रैंक्स के लोग भी इसमें बैठे हुए थे, मौजूद थे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फ्रेंस थी जिसका बुनियादी मकसद इस तासुर को जाहिल करना भी था कि अफवाज में किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी है। आपको याद है ना कि ये तासुर फैलाया जाता है कि नहीं जनाब, वो कुछ अभी भी एक खास जमात के साथ उनके साथ। उस तासुर की आज उन्होंने अपनी तरफ से ये इतना बड़ा स्टेज लगा के उसकी उसको डिनाई कर दिया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसा हमने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कहा था कि जब आर्मी चीफ और एक 3-स्टार जनरल और खुल के पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कह दे कि हम 9 मई के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर डाउन द लाइन किसी को किसी रियायत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। आज की इस फॉर्मेशन कमांडर में 3-4 चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि बाकायदा मुतालबा अब किया गया है कि किसी 9 मई के बंदे को ना छोड़ा जाए। जी, आपने देखा ना, इसके अंदर ये इसके अंदर एक बाइट है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा, कटहरे में लाने का उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है बाहर के सहूलतकारों की मदद से, जिसे उन्होंने टर्म किया डिजिटल दहशतगर्दी, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, उन्होंने कहा है कि उससे हम सनासा हैं, हम वाकिफ हैं, और उसका बुनियादी मकसद जो है अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में खलीज हायल करना है। डिफरेंस, दिस इज अनदर वेरी सीरियस चार्ज, यू नो इसकी कनोटेशन कहाँ से कहाँ पहुँचेंगी। ठीक है, तो किस्सा मकसद ये कि हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने ये फैसला किया है कि 9 मई के लोगों को, सिर्फ उनको नहीं जो गिरफ्तार हैं, ये तवज्जो से सुन ले बात, जब वो कहते हैं मंसूबा साजों और सहूलतकारों को, तो ये बात कहां से कहां पहुंचेगी, वो मेरे ख्याल से मुझे और आपको तो हमने जो कुछ डिस्कस किया हुआ है हमें तो मालूम है। आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी इसकी इस डेप्थ को समझेंगे कि ये गिरेमान तक किस किस के हाथ पहुंचेगा। आपने तो बहुत बार कहा है कि ये इतनी भारी गठरी उठा के कोई भी जमात इसका बोझ नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, क्योंकि ये ना पाकिस्तान में पहले कभी हुआ है और ना आइंदा कभी होगा। हाँ, तभी तो इनको देखिए, वो लोग जो हैं जो ये कहते हैं कि जी अगर इतना ही अटैक कर दिया था PTI ने तो फौज ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि इसकी दाद दी जाए कि दर्जनों लाशें गिरने की बजाय, उन्होंने रेस्ट्रेंट का मजारा किया, अपनी तौहीन तजहीक बर्दाश्त की। मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है, मैं अपना मिसाले में आपको दे सकता हूं कि जब कभी फौजी किसी के ऊपर हाथ डाला गया है, किसी फौजी तनसीब के ऊपर चट दौड़ने की कोशिश की गई है, तो उसके नतीजे क्या निकले हैं, माजी हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। हैविंग सेड दिस, अब ये किस सूरत के साथ ये काम होगा, क्योंकि ऊपर नीचे एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार ये कहा गया है, तो ऐसे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं उनकी सजाओं का प्रोसेस जल्द होगा, और जिन पर मजीद, वो आपने देखा ना कि PTI के लोग कह रहे हैं कि जी केसेस नए बनाए जाएंगे और ये होगा और ये होगा, ने आज कहा है। ये वो आता हूँ मैं उसकी तरफ भी, रोफ हसन साहब की तरफ भी, लेकिन बुनियादी तौर पर पैगाम ये गया है आज की कोर कमांडर मीटिंग से, गेट रेडी माई डियर, वी आर कमिंग। ठीक है, और अगर ये मैसेज इसी तरह से गया है तो मेरा ख्याल है काफी दिलों में और जहनों में परेशानियां जो हैं उन्होंने, वो इस वजह से ना कि आप चाहे कोई भी तरीका हरबा इस्तेमाल करें, आप ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते। अच्छा, ना अब दूसरी बात यह है, वो खलीज पैदा करने वाली जो बात है उसको हवा दे रही है PTI और ये रऊफ हसन साहब जो कह रहे हैं, एक शख्स की हुकूमत है जी। आप ये देखिए कि जहां पर जैसे भी है इलेक्टेड पार्लियामेंट मौजूद है, कैबिनेट, चारों सूबों में हुकूमतें हैं जिनमें एक सूबे में खुद इनकी हुकूमत है, और वो कह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो मुल्क चला रहा है। ये जब आप इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो पकड़ आपकी होगी, क्योंकि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा बगैर किसी सबूत के, वो हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे इसके इस हवाले से भी बड़ी डिटेल के साथ, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक हो गया, ये मैं अस्यूम कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ नई डेवलपमेंट्स जो हैं 9 मई के हवाले से जरूर होंगी। अच्छा, ये जो खत लिखने वाला था कि हम
फौज की इधर जो है वो हमारी फौज है उस पर कुछ ना करें, जेल से भी इंस्ट्रक्शंस बकायदा इमरान खान से दी गई थी, कैसा कुछ मेरे ख्याल से उस कोशिश के हवाले से ये एक तरह की शट अप कॉल है, राइट, के डोंट राइट टू अस प्लीज, थैंक यू सो मच, गुड नोइंग यू, ये आप बाज रहे हैं इससे तो बेहतर है क्योंकि आपके लिए गुंजाइश कोई नहीं है, नहीं है, ठीक हो गया जी, हाँ बिल्कुल ठीक। अब मैं ज़रा तफसील में जाना नहीं चाहता इनके रऊफ हसन के बारे में, वो कहते हैं कि जितो शखाना का एक और केस बनाया जा रहा है, बनेंगे भाई केसेस, जब आप लोगों को चोर डाकू कह के उनसे बात करने के लिए आमादा नहीं होंगे, कहीं पॉलिटिकल इनिशिएटिव आप अपना नहीं रहे हैं, तो फिर हुकूमत के पास तो अपने टूल्स और अपने ज़राए होते हैं ना जी, ठीक है, और अगर उनके पास शवाहद हैं तो फिर ये केसेस जो हैं ये मजबूत बुनियादों पर बनेंगे। अब मेरे ख्याल से जाली केस बना के अदालत में भेजने की सबक शायद इस हुकूमत ने भी सीख लिया होगा कि उनका फेट वही होगी कि उठा उठा के वो मुकदमे पे बाहर कदम वापस हो जाएंगे। अब बताइए जनाब, वो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो सफीर हैं बरतानिया की, और उन्होंने जो बयान दिया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रिएक्ट करना पड़ा डायरेक्ट। ये जो पीटीआई के लोग समझते हैं ना कि जी डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें मिल जाएगी तो बड़ा फर्क इससे पड़ेगा, ये मैं बता देना चाहता हूं कि बल्ले के हवाले से अब नीचे कोई कोर्ट और कोई फैसला नहीं कर सकती, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। ये रजिस्ट्रार ने जो खत लिखा है ना, यस, वो सुप्रीम कोर्ट के बिहाव पे लिखा है, चीफ जस्टिस के बिहाव कहने पे लिखा है, यस। तो एक तो ये कसिया भी पाक हो गया, ये कितना बड़ा नुकसान पीटीआई ने अपना किया है उनको इसका अंदाजा अब हो जाएगा। हो सकता है पहले रिलीफ मिल जाता, अब तो कोई जो डाउन द लाइन कोई कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो ट्रिब्यूनल है, कोई उसको अंडू नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने बाकायदा वसूख के साथ जस्टिफाई किया इस एक्ट को कि कानून मौजूद है कि अगर आपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए हैं तो आपको निशान नहीं मिलेगा, तो बाय द बुक तो उसके मुताबिक ही। दूसरी बात एक और जो थोड़ा सा छेड़ा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवियों को, उनका याद है ना ईरान में इंकलाब लेके आए थे ना आप, फिर उसके बाद इसराइल तखलीक हुआ था, आप अपनी हरकतों पर तो गौर कर लें, उन्होंने कहा है अपनी तारीख ठीक कर लें, यस, अभी अपनी गलतियों का इजाला करें, बिला वजह सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर पंगा करेंगे तो फिर आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफी आईना दिखा दिया है उनको, ठीक है जी। ये वैसे बड़ा एक दबंग किस्म का स्टांस लिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। देखिए जी, जब आपके फैक्ट्स ठीक हों, जब आपकी ग्राउंड्स ठीक हों, तो फिर इसी तरह का लेना बनता है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आ जाइए जनाब आगे, आज आपको पता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग थी। पहली बात तो यह कि उसके लिए बड़ी सरतोड़ कोशिश की जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि ये लाइव दिखा दें, उन्होंने काफी इसरार किया इसके ऊपर, उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था, ठीक है, जाहिर है तो इसको 4-1 से फिर ये रिजेक्ट भी हो गया ना, आप देखें ना बाकियों ने तो उसको मुस्तरद कर दिया, एक तो ये। दूसरी बात ये है जनाब कि अब देखना ये है कि नैब के कानून का बनाने का हक किसको है, राइट, जज हैं वो भी हैं, दूसरे एक जज और हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट के तक ही छोड़ देना चाहिए कि कानून वो बनाए। बुखारी साहब, जब हर जमात का ये मंशूर में शामिल है कि नैब को खत्म करना है, ना नैप को खत्म कर रहे हैं, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट, देखिए जो मुझे लगता है कोशिश ये हो रही है कि उसके दांत निकाल दिए जाएं, राइट, अगर नैप को कानून को खत्म नहीं करना है तो कम से कम उसके अंदर से बाइट कम कर दी जाए, हाँ, सिर्फ एक डमी। अब हमारे सामने कंट्रोवर्सीज क्या आ रही हैं कि एक वक्त में पीटीआई चाहती थी कि जो रिमांड है वो 180 दिन का हो, जी ठीक है, उस पर तो उन्हें कोई इतराज नहीं था, लेकिन अब इन्होंने अगर वो 14 दिन से 40 दिन का कर दिया तो उसके ऊपर धड़ाधड़ रिएक्शन जो है, क्योंकि अब वो खुद अंदर वो आ रहा है, क्योंकि अब ये उनके ऊपर अप्लाई होना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि काली भेड़े हैं कुछ, उसका भी बड़ा तफसीली तस्करा हुआ सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स में, और उन्होंने कहा, एक जज ने तो ये कहा कि नहीं, उनको जो है वो मार्जिन दिया जा सकता है, शक का फायदा दिया जा सकता है, फिर ये कि मखदूम साहब जो वकील हैं उन्होंने भी, और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी ये वजाहत की कि जी ये मकसद आप इन जजों का नहीं था, उन्होंने मतलब टालने की कोशिश की कि ये तो माजी के जजों के हवाले से उन्होंने बात की, पुरानी बातें कर रहे हैं हम। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब का ये बयान, इसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, एक आम आदमी सड़क पर या कोई सियासतदान नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि काली भेड़े हैं जो किसी एक पार्टी के सरबराह को रिलीफ दे रही है तसलसल के साथ, तो ये इशारे तो बिल्कुल काफी हैं, ये इशारे तो उन्हीं
जिसकी तरफ हैं, जिनके बेपना केसेस के हवाले दिए गए हैं कि उन्होंने मुख्सिर गैप्स के साथ कितने मुकदमात में बानी पीटीआई को और उनकी पार्टी के दीगर लोगों को रिलीफ दिया। लेकिन भाई साहब, अगर इन हुकूमत ने भी अगर कमजोर केसेस बनाए होंगे तो फिर तो जजेस के पास ये होगा ना, आप जब आपके ग्राउंड कमजोर, ये प्रोविजो तो बिल्कुल ठीक है कि अगर केस वीक है तो आप छोड़ दें, लेकिन केस जिनका हवाला दिया जा रहा है वो मामूली केस नहीं है। मामूली केसेस नहीं, यस हां, तोशाखाना इज नॉट ए मामूली केस, साइफर इज नॉट ए मामूली केस, इद्दत इज नॉट ए मामूली केस, देयर आर सीरियस केसेस। सो मतलब कहने का ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि ये तासुर कायम हो कि एक खास अदालत या एक अदालत के चंद मखसूस जजेस किसी एक पार्टी को रिलीफ दिए जा रहे हैं। जजेस के फैसले बोलने चाहिए। उन्होंने जिस तरह की तहरीक की है, खत लिख के, आपको पता है ना खत लिखा गया जी, है जी। तो मैं बेपनाह दफा हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उसने अपना काम कर दिया है, वो मुतलका लोगों तक बात पहुंच गई है जो वो कहना चाह रहे थे। तो वो कभी तो बता रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ, मैं टीवी भी देखता हूँ, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, तो मुझे सब पता है कि किसके क्या बयान आ रहे हैं और किसका जिक्र किस तरीके से हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जी, एक और बात जो हमने कई दफा अपने प्रोग्राम में पहले भी की है वो ये है कि वो बारात की सूरत में जो वकील जाते थे वो भी आज कसिया जो है वो तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, काजी फैज हिस्सा ने, कि आप दो वकील जाएं, मुलाकात आप मिलें और जिस वक्त चाहे आप मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ 50 लोग लेके मत जाइएगा। वो जो वहाँ पर बैठ के एक पंचायत लगती है वो नहीं होनी चाहिए। ये एक्सेस सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि वो अपने मुकदमे के हवाले से कंसल्टेशन कर सके हमसे, डिस्कशन हो सके। ये वहाँ पर बैठ के इंटरव्यू देने, जर्नलिस्टों के साथ खिताब करने के लिए नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं हम, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की है, हिदायत जारी की है, तो इसके ऊपर किस हद तक अमल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मुखारी साहब, वकला तो जाके उनसे मिल सकते हैं ना, किसी भी टाइम मिल सकते हैं। जज साहब ने कहा ना कि आप दो वकला जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उन फैमिली मेंबर्स भी उनको जाके किसी भी डे में, किसी भी जेल मैनुअल के तहत, जेल मैनुअल के तहत वो तयशुदा है कि घर के लोग कितनी बार मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू था ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से धड़ाधड़ इजाजतें दी जा रही थी, अली मोहम्मद खान साहब आप भी मिलाएं जाके, आशिर अफजल साहब आप भी चले जाएं, मिस्टर गौहर साहब आप भी चले जाएं, फलाना भी चला जाए, फलाना, पता चला जनाब 30-40 वकील खड़े हैं बाहर और कह रहे हैं जनाब इसके अंदर जाना है। हाँ, सबकी मुलाकात भी हो जाती थी और फिर ये खबरें आती थी कि हर किसी का अपना बयानिया, अपना स्टैंड नजर बाहर निकल निकल के फिर जो कुछ वो कहते थे वो भी हमने सुना भी है और हमने वो रिपोर्ट भी, डिफरेंट डायवर्जन भी हो जाती थी और फिर ये भी कहा जाता था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जी हाँ, तो जरा जो होता है ना कोडेड वर्ड्स में गुफ्तगू होती थी कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, एक तमाशा बना हुआ था ना, देखिए कोडेड वर्ड्स में किसी और को पता ना चले। इंटरव्यूज वहां से जारी हो रहे हैं, लेटर्स हो रहे हैं, नहीं नहीं आर्टिकल्स छप रहे हैं बाहर के मुल्कों में। हाँ, वहां से वो जो खौफनाक वीडियो अपलोड हुई हुई है खान साहब के अपने अकाउंट से, 71 वाली जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और साथ उस वक्त की फौजी क़यादत को दिखाया गया है, और खुदा के वास्ते अल्लाह के खौफ से डरे, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अगर आपका मकसद अपनी फौज की तजवील है, जो कि ऑब्वियसली आपका मकसद है, आज तभी तो कोर्ट कमांडर्स में हुआ, बस कर दे उसको, जरूर डंडा खा के बात समझनी है, कोई इशारों के नाम, देखिए लीडरशिप तो वो होती है जो इशारों के नाम में पैगाम समझे, समझ आ भी जाए ना, अगर अगर वो डंडा खाया है ना, उनके अपने वर्कर्स ने डंडे खाए हैं और अब अंदर जेल में मौजूद हैं, अपने अपने केसेस भुगत रहे हैं, और 9 मई वालों को आज भी जब फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हुई है तो कहा गया उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।